ಲೇಡೀಸ್ खुशी तो देखो बाप रे, खुशी उनके फूले नहीं समा, मतलब झलक रही है एकदम खुशी। अब मम्मी पहनेंगे, मम्मी को पहनाओ, मम्मी को पहनाओ। ओहो चल आज अपने चलते हैं घूमने, तो हम जा रहे हैं अभी अभी मम्मी का शॉपिंग, अभी मम्मी लेके आई है, अभी हम शॉपिंग, अब मम्मी ये पहन के अपनी शॉपिंग दिखाएंगे, शिवाय भी आएंगे। चलो मम्मी हम कमरा दो ये पहन के देखते हैं, इतना बदल लिया है वो तो देखा, हाँ हाँ मम्मी नाचे, मम्मी ने कहे तमारा नती मम्मी नाचे, नती खोलू मैं पच्छी खोली सेट ना एटले वांदो नहीं, मैं नती खोलू, अनबॉक्सिंग न तो करू ना गिफ्ट एटले। मम्मी अभी हमारे लिए क्या आया जल्दी बताइए भाई, क्या दिन है ना आज का हमारा, गिफ्ट 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 दे, ये आपके लिए, थैंक यू, दो दिन में आ गए, ये आपके लिए, थैंक यू, दो मेरे लिए लेके आई, ओह वाओ, मम्मी मज रही हो, वाओ थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू ब्लॉग, कैसे आप सब, उप करती बहुत अच्छे होगी, हम सभी बहुत अच्छे हैं, और आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि आज हमारे घर में सब आ गए, हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स जो सब घूम रहे थे, कोई काम से गया था, कोई कहाँ, तो सब आज आज फाइनली सब एक साथ होंगे, सो आपको सब एक साथ देखने मिलेंगे। जैसे कि इतने दिन से आपको मेरे ब्लॉग में रौनक नहीं दिखे होंगे, कितना नहीं दिखे होंगे, और अभी पिछले 10 दिन से मम्मी नहीं दिख रहे थे, सो आज फाइनली सब कोई, वो दिन है जिस दिन सब कोई आ गए हैं। 27 को मिडनाइट को रौनक आए थे, आज सुबह कीर्तन आई है, और अभी मम्मी आने वाले हैं, मम्मी को वो लोग रिसीव करने एयरपोर्ट निकले हैं, शिवाय भी साथ में गया है, शिवाय बहुत एक्साइटेड है एयरपोर्ट जाके रिसीव करने दादी को। और मैं बनाने वाली हूँ पालक पनीर, इसीलिए मैंने उस दिन पालक पनीर का प्लान पोस्टपोन कर दिया था, कि सब इकट्ठा अभी एक दो दिन का ही बात था, तो मैंने सोचा मम्मी भी आ जाएंगी, कितना भी आ जाएंगी, उस दिन मैं बनाऊंगी। सो फिलहाल मेरी चाय बन रही है, सुबह से मुझे बिल्कुल भी वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी, और बाहर से कोई आता है तो कपड़े भी कितने रहते, रौनक के बहुत सारे कपड़े थे, बस फाइनली आज लास्ट धोने का था प्रोग्राम, सारे मैंने धो दिए, और बस अब मैं चाय बना रही हूँ, चाय बन चुकी है, निकाल रही हूँ, चाय पी के फिर हम लग जाएंगे पालक पनीर की सब्जी बनाने में। और उसके बाद आज अभी 2 दिन से मुझे वीडियो है, लेकिन वीडियोस अपलोड करने का टाइम नहीं मिल रहा है एडिट करके, सो मैं कोशिश करती हूँ आज एक आधा वीडियो तो अपलोड हो जाए मेरा। तो गाइस बस यही बात है, थोड़े बिजी चल रहे हैं इसलिए अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, आई होप आप लोग को इंतज़ार तो रहता ही होगा कि आज वीडियो आएगा। सो गाइस आज मैं ट्राई करती हूँ, और आज बने रही है, क्योंकि आज सच में मज़ा आने वाला है। तो गाइस पालक पनीर के लिए ये हो रही है ग्रेवी की तैयारी, यहाँ पे मैंने दूध गर्म करके रख दिया है, जो कि हम करते हैं, आप सबको पता चल गया होगा मेरे ब्लॉग्स देखकर। और यहाँ पर पालक बॉईल हो चुकी है गाइस, जब मैंने बॉईल की थी पूरा पतीला भर गया था एकदम, मैंने बड़े पतीले में की थी ताकि वो हिलाने में आसान रहे, मतलब उसको मिक्स करने में, और अब इतनी सी हो गई गाइस। हम जब डालते हैं पालक तो कितनी ज़्यादा लगती है यार, इतना ज़्यादा सब्जी बन जाएगा यार, और जब पालक बॉईल हो जाती है उसके बाद कितनी कम हो जाती है ना। और अब बस मैं आटा लगाने जा रही हूँ, सो मैंने मैदा वही निकाला है, अब मैं नान के लिए आटा लगाने जा रही हूँ, ताकि हम जब तक खाने बैठे तब तक आटा एकदम अच्छे से भीग जाए, सो नान टेस्टी बनता है। और ये ग्रेवी की तैयारी मैंने जैसे आपको दिखाई, बस उसके बाद हमें बनाने हैं जीरा राइस, सो बस फिर हम फ्री। और अभी बजने लग रहे हैं 6:10 बाकी है, सो मैंने सोचा है मैं आटा लगाने के बाद ऊपर चले जाऊंगी कपड़े लेने, उसके बाद दिया बत्ती कर दूंगी, उसके बाद जीरा राइस की तैयारी भी कर लूँगी। सो राइस यहाँ मेरी पालक पनीर की सब्जी रेडी है, जैसा कि आप देख सकते हो, बस हो गया, मैं गैस बंद कर दूंगी, ये मेरे नान का आटा रेडी है नान बनाने के लिए, और ये जीरा राइस के लिए मैंने भात भिगो दिए हैं, एक सीटी में हो जाएंगे बासमती राइसें भिगो के रखने से, सो ये मैं जब हम खाने बैठने वाले होंगे उसके आधा घंटे 15 मिनट पहले कर लूँगी,
बस हो गया डन। अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, उसके बाद मुझे करनी है पूजा, और मैं कपड़े लेके आ गई छत से, और बस अब मुझे पूजा करनी है। ये कौन लेके आया है? दादी। वाओ दादी वेलकम होम। देखो काजू कतरी भी लेके। दादी वेलकम होम। वेलकम थैंक यू। अभी दादी काजू कतरी लेके आए और शिवाई हाथों हाथ खुलवा रहा है। ये देखिए दादी मस्त वाला टिफिन बॉक्स लेके आए शिवाई के लिए, मिकी माउस वाला। वाह उसको मिकी माउस बहुत पसंद है, और इसमें सॉस या अचार कुछ भी डाल सकते हैं। शिवाई बहुत खुश है आज लेके आया दादी को। हाँ दादी को लेने के लिए मेट्रो में गया था, मेट्रो में गया था, मैं बोलता है फ्लाइट दिखा, जल्दी उड़ गया, वो रेडी हो गया जल्दी, पता है इन मजा आई हुई है सर। शिवा उसको टच करना रहता है। हाँ एक्साइटेड है बहुत। शिवा एक एक टच पीस आवे नहीं खाऊंगा। खांसी आवे तो शिवा था ना, लियो रोना। गाइज अभी मम्मी का बैग अनपैक होना चालू हो गया है। अभी मम्मी देखिए ये फरारी चिप्स और चिप्स है ना, फरारी फरारी चिप्स और फरारी चक्री वो लेके आए दीदी मम्मी। और अभी मम्मी का बैग अनबॉक्सिंग हो रहा है अभी आराम से। मैंने कीर्तना को भी बोला मम्मी आएगी उसके बाद तू खोलना जो है सब। रौनक ने भी अभी मम्मी ने बोला मम्मी आएगी उसके बाद। सो इसका शरबत मेरा बहुत फेवरेट था, हम लोग पहले रोज पीते थे, अभी बंद कर दिए थे, काफी साल से नहीं पिया ना। अभी वो घर में पुराना घर से पुराना घर में पीते थे, नहीं यहाँ लेके नहीं है, वो घर में बहुत पिया फिर रुक गए। ये प्रसाद दिए डिनर करने बैठे, आज आपको सब नजर आएंगे। जो लोग पूछ रहे थे कितना कब आएगी ली जो आपके लिए सरप्राइज। मम्मी भी आ गए हैं, रौनक तन्मय भाई शिवाय। पापा कहाँ चले गए? पापा मिसिंग है ना। आओ मासी जम्मा पालक पनीर। मासी कहीं बोलो मम्मी बेन बोले रहे जो मासी, मासी कुछ बोलिए। कोई बेन आया हमारे नहीं। अरे ऑडियंस को भी, अरे पापा जल्दी आओ, हम बता आप परिवार देखा ही जाए आज पता सिंगल है कपल्स तैयार। बेन आया था कौन से बात करता मम्मी किसी बेन की बात कर रही है। पापा जरा कहीं आओ, आज हमारा फुल फैमिली इकट्ठा हो गया। आज हमारा घर एकदम फुल फुल फिल हो गया, एकदम बहुत मजा आ रहा है। बहुत दिन के बाद आज एकदम खुशी महसूस हो रही है। मेरी छोटी बेटी भी आ गई और छोटी बेटी की सास आ गई। छोटी बेटी की सास है, मम्मा नहीं है, सास है। और मम्मा आ गई, आज बहुत मजा आ गया। आज आज मेरा पोता उसकी दादी को लेने के लिए गया था। किसमें गया था? मेट्रो में बोल, मैं जल्दी उठी क्यों खबर से, अभी तैयार थे क्यों। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा। मम्मी और कीर्तना के आने की खुशी में हमने बनाया पंजाबी डिश। आज हम लोग बहुत दिन के बाद नाके दीदू, बहुत दिन के बाद सब्जी नान करे, वहाँ पे रोज खिचड़ी कढ़ी रोटी खाते थे, इसीलिए आज मैंने आज मैं लिया आपको। राजमा भी टेस्ट करो आप, अच्छा है सब्जी बहुत अच्छी है। तू कर रहे थे शिवाय पप्पा क्यों? शिवाय तू कर रहे थे ए शिवाय ओहो वाली वाली चाले छे ओहो हेज भराना छे जो तो कितना जल्दी
लिए टॉप लेकर आए हुए हैं। हाँ हाँ इसलिए मैं किधर पास करा की थे राते वीडियो देखो चेहरे देखे गए माने मैंने मप्पा ये वाले था ये जैसे चेहरे था ये वाले अपने भाभी के पति के राव के ने काम आवे चेहरे चाली चाली तो एक्चुअली गर्म मतलब जोड़ी पर अभी गर्मी में वो पहन के क्या करेगा यार अपन भी बाहर जाए वैसा तभी तो वार्म मटे जो रेगुलर मटे तो हाँ पर शूज वो शूज कहाँ पहनता है आजकल वो सब गाइस वो स्लीपर्स पहनता है स्लीपर्स पहनता है किसी को स्लीपर्स भेजना है तो भेज दीजिएगा मैं साइज बता दूंगी और मैं सबसे बड़ी सेफ्टी चीज लाई हूँ जो मेरे पापा को शायद से दी है वो है फोर कॉर्नर्स ऑफ द टेबल। हाँ वो तो पापा लेकर गए शायद से बाहर और ये सारे बाकी मेरे कपड़े आना है ये भाई लेकर आए हैं मेरे चाइना से शनेल का ब्रेसलेट काइंड ऑफ पकड़ा वेरी प्रिटी प्रिटी और ये भाई लेकर आए हैं हमारे प्यारे प्यारे भाभी के लिए पहन के दिखाते हैं रुको ना पहन हाँ पहन के दिखाते हैं फेंडी के चश्मे फेंडी की ग्लेज रुको ना पहन के दिखाते हैं अरे हाँ कैसे लगते हैं ना भाभी जी पहनेंगे इसको लाइए पहन के दिखाते हैं ना हाँ जी ओह माय गॉड दिस इज सो सेक्सी मुझे कलर दिखाया था मैंने बोला था ये थोड़ा ठीक लग रहा है Oh my God! Oh my goodness! अब ये जो हुलिया ना उसके साथ ये चश्मे बड़े अच्छे लग रहे हैं। Guys, आज मेरे लिए आया है। Guys, ये मेरे लिए आया है गुजरात से। अजरक प्रिंट लेकर आया हाँ? अजरक प्रिंट वो चाहिए हमारा फैशन चलो। शिवाय अपनी अलग ही जोन में मेरे को प्लीज स्मेल करना है मैंने ये कुर्ती है ना देखो मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ अगर मेरे को रौनक भाई के चश्मे अच्छे लगे तो मैं अभी लगा रही हूँ ये देखो कितना आई डोंट केयर भाई नो प्रॉब्लम बड़े भाई आप से ले सकते हो वेरी गुड ये मम्मी की कुर्ती है गाइस ये ब्रेसलेट रौनक में ले लाए आगे वाला पीछे वाला नहीं पीछे वाला तो मेरा है पीछे वाला तो मैं रेगुलर पहनती हूँ गाइस हो गए मैं रौनक के चश्मे है लेकिन ये हड़पने का कोशिश कर रही है कोशिश ही हड़प ली है इसने इसने हजम इसने हजम कर लिया ओ डॉक्टर भी मार ये उनका बेटा नहीं छोड़ेगा तुमको मेरे को फर्क अच्छी नहीं पड़ता ओ यहाँ पे तो शॉल चल रहे हो माय गॉड ये तो प्रसादी की टूटी जाए टूटी जाए ये प्रसादी शॉल है तेरा ऊपर ये वाव ये शिवाय ये वाव अरे आने तारीफ करो यार बधाई वाव ये प्रसादी की शॉल है स्वामी ने लिया है अच्छा उड़ा दीजिए पापा को फिर से उड़ा दीजिए एक बार उबर क्या था जो चश्मा पहन के बाप कही गए पाचो ऊपर दीजो सारी आई होप आप लोग को मजा आया होगा शिवाय के सहस रहे देखो ना शिवाय को भी हंसी आ गई सूज पप्पा अरे ते पेरी ने तो जो ली तू शिवाय ए रौनक देखा डो मैं ज्यादा मेरे पे सूट हो रहा है मैं तो ले रही हूँ हंसे चलो ना बड़ा सेक्सी चश्मा पापा आप पहन के दिखा दो मम्मी फिर मैं भी बच गई हूँ सब पहनेंगे ये छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक पापा एकदम स्टाइल मार के ओ माय गॉड पापा उड़ो तो जरा आप आ गए हो तो फिर उड़ेंगे ना मैं बोल रही हूँ हम चारों बच्चे लोग कहीं चलते हैं लेट देम हैव देयर टाइम ओह माय गॉड दे हैव देयर थाड़ू बाटा तो मैंने कहा तो दादा दादी नीचे इन्हें बता याद है कंसर्न वस्तु कहीं के नीचे
दादा दादी नीचे तो Oh my goodness! It's okay, but it's looking good. But मैं बोल रहा हूँ ना इतने अच्छे अच्छे चश्मे है ना. Ola must have Fendi का. Yes, it looks very sexy. वो पहन के पोज मारना पड़ेगा. Guys, I hope आप लोग को बहुत मजा आएगा आज के ब्लॉग में. आज का ब्लॉग में यही एंड करते हैं. अनपैकिंग सब कुछ हो गया और मेरा तो पता नहीं क्या ही हो रहा है. पूरा रूम भरा हुआ है. बस आगे ऐसे ही होता है. So, let's see. अभी और कितने दिन लगेंगे. क्योंकि तेरा भरोसा नहीं तो अभी लोग रात में लग जा करने के लिए. मेरे आज नो यार सुबह उठूंगी भाभी रात को कर लिया मैंने. आज सच में हिम्मत नहीं है. मैं आज ऐसा लेकर बैठी हूँ ना वो भी आधा हो गया. आज आराम से रेस्ट करो. कल संडे वैसे भी तुम करते होंगे. सो गाइस आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं. वीडियो को लाइक करिएगा. चैनल को सब्सक्राइब करो. गुड नाइट. से गुड नाइट. गुड नाइट. से गुड नाइट. सी बोल दो एक बार गाइस को गुड नाइट. जी गुम्बा जी.